नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना समाचार, मैं हूं आपके साथ मनीष। शहीद शमशेर सिंह चौहान का पैतृक गांव रतनथल गांव में हुआ अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने दी नम आंखों से विदाई। रेवाड़ी के रतनथल गांव के रहने वाले सूबेदार शमशेर सिंह चौहान शहीद हो गए। वे एक बंकर ब्लास्ट में घायल हो गए थे। इसके बाद उनका इलाज आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेह लद्दाख में हुए एक बंकर ब्लास्ट में रतनथल गांव के रहने वाले सूबेदार शमशेर सिंह चौहान घायल हो गए। इलाज के दौरान घायल सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान शहीद हो गए। वहीं आज सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद रहे। अपने लाल शमशेर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार 2 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में बने बंकर में अचानक आग लग गई। आग इस तरह से भड़की कि वहां ब्लास्ट हो गया। शमशेर सिंह ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जलती सिगड़ी पर कूद पड़े। आग की वजह से वहां अचानक हुए ब्लास्ट में शमशेर सिंह चौहान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 3 जनवरी की सुबह दम तोड़ दिया। शमशेर सिंह 3 बहनों के इकलौते भाई थे। शमशेर सेना की यूनिट 22 मेक के जवान थे और लेह लद्दाख में तैनात थे। पिता भवानी सिंह भी सेना में थे और कैप्टन पद से सेवानिवृत्त हैं। परिवार में मां कमलेश देवी, पत्नी रजनी देवी, 18 वर्ष से बेटा प्रयाग, 13 वर्ष से बेटी धनिया व 12 वर्ष से बेटी फाल्गुनी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।